जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत और चीन की 19वीं कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग की जॉइंट प्रेस रिलीज आई सामने। इन रामे के अपाचे हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन हुआ स्टार्ट। आर्मी खरीदी की 300 सारंग स्वदेशी आर्टिलरी गन्स। LCA तेजस का कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक वाला मामला। और सीरिया में F-35 और Su-35 के बीच टक्कर होने से बची। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की जो 19वीं मीटिंग कंडक्ट की गई थी, तो इस मीटिंग की ऑफिशियल जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दी गई है। और इस स्टेटमेंट के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों के बीच 13 और 14 अगस्त को LAC के साथ के बचे हुए इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव और इन डेप्थ डिस्कशन हुआ है। दोनों पक्षों ने अपने व्यूज एक दूसरे के साथ ओपन और फॉरवर्ड लुकिंग मैनर में एक्सचेंज किए और दोनों पक्ष बचे हुए इश्यूज को जल्द ही सॉल्व करने और अपने बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से डायलॉग और नेगोशिएशंस को मेंटेन करने के लिए सहमत हुए। और साथ ही दोनों पक्षों ने बॉर्डर एरियाज में ग्राउंड पर शांति को भी बनाए रखने के लिए सहमति दी है। और बाकी हमें पता है कि इस स्टेटमेंट को सुनकर आपको यही लग रहा होगा कि इसमें नया क्या है, क्योंकि पहले भी कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि इस बार के स्टेटमेंट में इस बात को मेंशन जरूर किया गया है कि जो बचे हुए इश्यूज हैं उन्हें दोनों पक्ष एक्सपीडिशियस मैनर में सॉल्व करेंगे, यानी कि जल्द से जल्द इनका समाधान निकाला जाएगा। और अगर आपने स्टेटमेंट को ध्यान से सुना होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि इस बार की जो कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग है वो 2 दिन चली, 13 और 14 अगस्त, और इस बात का खुलासा ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद ही हुआ है। और आप कह सकते हैं कि पहली कोर कमांडर्स लेवल की मीटिंग है जो 2 दिन तक कंडक्ट की गई है। और इन 2 दिनों में डिस्कशन का जो ड्यूरेशन है वो टोटल 17 आवर्स का था। हालांकि ये बात भी सच है कि ये जो स्टेटमेंट है ये पूर्व लद्दाख के बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स पर से ट्रूप्स की डिसएंगेजमेंट के मामले में कोई तत्काल सफलता को तो नहीं दर्शाती है। इतना ही नहीं बल्कि स्टेटमेंट में ईस्टर्न लद्दाख नहीं बल्कि वेस्टर्न सेक्टर करके मेंशन किया गया था। बाकी इस मीटिंग को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि ब्रिक्स समिट और G20 समिट से पहले आयोजित हुई और इन दोनों समिट में भारत और चीन के लीडर्स एक दूसरे के सामने आएंगे। लेकिन इस मामले पर द प्रिंट की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि इस मीटिंग में भले ही बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट से ट्रूप्स के डिसएंगेजमेंट को लेकर कोई ठोस परिणाम तो नहीं निकला, लेकिन इस दौरान दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि वे LAC के साथ ट्रूप्स और इक्विपमेंट के बिल्डअप को फ्रीज करेंगे। और ये भी कहा गया कि इस मीटिंग में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है तो वो अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति के हैं, जैसे विवादित क्षेत्र में बनाए गए बफर जोन में कोई पेट्रोलिंग नहीं करना, एयर स्पेस की सेंसिटिविटी और टैक्टिकल लेवल पर अलग अलग कमांड लेवल्स के बीच नियमित बातचीत। तो इन मुद्दों पर भारत और चीन दोनों की सहमति है। बाकी इस 19वीं कोर कमांडर्स लेवल की जो मीटिंग थी इसमें मेन फोकस था डेप्सांग प्लेन्स पर, जो कि भारत के सब सेक्टर नॉर्थ में आता है, जिसके एक तरफ सियाचिन ग्लेशियर है तो दूसरी तरफ चाइनीज ऑक्यूपाइड अक्साई चीन, और इसलिए ये जो एरिया है रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। बोइंग इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है कि इंडियन आर्मी के लिए AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। और आर्मी के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स का जो फ्यूजलाज है तो वो हैदराबाद में टाटा और बोइंग की जॉइंट वेंचर टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसकी तस्वीर भी बोइंग इंडिया की तरफ से जारी की गई है। और आपको बता दें कि आर्मी के लिए टोटल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए जाने और इनकी डिलीवरी 2024 तक की जाएगी। बाकी कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की एक ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको सबसे बेस्ट लगती है, तो अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि इंडियन नेवी का जो प्रोजेक्ट 75i वाला प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में वर्तमान समय में 2 बिट्स का मूल्यांकन किया जा रहा है। 1 बिट सबमिट की गई है मुंबई बेस्ड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की पार्टनरशिप के साथ जर्मनी की थाइसेनक्रप की तरफ से, और दूसरी बिट सबमिट की गई है लार्सन एंड टुब्रो के पार्टनरशिप के साथ स्पेन की नवंतिया की तरफ से। और सीधी सी बात है कि इंडियन नेवी उसी के साथ जाएगी जो सबसे बेस्ट होगा और जो सबसे अधिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर करेगा। हालांकि इस प्रोग्राम में पहले फ्रांस, साउथ कोरिया, रशिया, तो इन देशों की कंपनीज भी शामिल थी, लेकिन इन देशों की कंपनीज ने बाद में इस प्रोग्राम के अलग अलग कंडीशंस की वजह से अपने आप को इससे बाहर निकाल लिया था। इस साल के अंत तक जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा तरंग शक्ति नाम से मल्टीनेशनल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाना था, जिसमें फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज की एयरफोर्सेज भाग लेने वाली थी, तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस तरंग शक्ति एक्सरसाइज को अगले वर्ष के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है। और इस एक्सरसाइज में उन कुछ एयरफोर्सेज को भी शामिल किया जा सकेगा जिन्होंने इस एक्सरसाइज में शामिल होने में रुचि दिखाई है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि स्टेट ओन एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि AWEIL ने 6,000 करोड़ रुपीज तक के ऑर्डर्स को रिसीव किया है, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए 300 सारंग आर्टिलरी गन्स को सप्लाई करने के अलावा यूरोपियन कंट्रीज से भी 450 करोड़ रुपीज तक के ऑर्डर्स शामिल हैं। और कंपनी को अगले 6 महीनों में करीब 2500 करोड़ रुपीज तक के और ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। और जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कंपनी ऑफिशियल की तरफ से भी बताया गया है
कि उन्होंने 155 mm और 45 कैलिबर वाली आर्टिलरी गन्स को एक्सपेंड करके अब 155 mm और 52 कैलिबर वाली गन्स के प्रोटोटाइप को विकसित किया है और इस प्रोटोटाइप की सभी टेस्टिंग हो चुकी है और इसे जल्द ही सामने लाया जाएगा। बाकी जो शारंग आर्टिलरी गन है वो 155 mm और 45 कैलिबर वाली गन है, जिसे रशियन ओरिजिन की 130 mm की M46 को अपग्रेड करके पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाया गया और इसका जो नाम है वो भगवान विष्णु के धनुष के नाम पर है। भारत के स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम LCA तेजस का सेंसिटिव डेटा डार्क वेब पर लीक करने वाले मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी एक 27 वर्षीय एरोस्पेस इंजीनियर जिसका नाम है शिव रामकृष्ण चेनोबैना, तो उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। और जो ये शिव रामकृष्ण चेनोबैना है तो इस पर आरोप है कि इसने ADA से बिलोंग करने वाले LCA तेजस प्रोग्राम का कॉन्फिडेंशियल डेटा डार्क वेब पर लीक किया था और इस मामले के तहत इसे 19 मार्च 2022 को गिरफ्तार किया गया था। इसने 2015-16 और 2017 में HAL के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर में इंटर्न की तरह काम किया और फिर बाद में इसने IISc में एक टिपिकल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ गन इंस्टॉलेशन के प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग ली और इस बीच ADA ने LCA प्रोग्राम से जुड़ी हुई कुछ परियोजनाएं IISc को भी सौंपी थी। और ये जो आरोपी है ये IISc के उस डिपार्टमेंट में भी ट्रेनी था जिसने LCA प्रोग्राम से जुड़ी हुई परियोजनाओं में काम शुरू किया था। फिर बाद में उसे LCA प्रोग्राम के लिए कोड को तैयार करने के लिए इंटर्न के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति मिल गई थी और इसी दौरान उसने LCA प्रोग्राम से जुड़ा हुआ डेटा चुराया और बाद में उसे डार्क वेब पर अपलोड कर दिया। और रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि उसने LCA तेजस से जुड़ी हुई कुछ ऐसी सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज को डार्क वेब पर अपलोड किया जो कि भारत के 5th generation M का प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए भी प्लान की गई थी। द एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सैटेलाइट इमेजेस से इस बात के संकेत मिले हैं कि जो चीन है वो विवादित साउथ चाइना सी में एयर स्ट्रिप का निर्माण कर रहा है और चीन के जो एयर स्ट्रिप है तो ये सबसे पहले अगस्त के शुरुआती दिनों में दिखाई दी थी और जो इसमें रनवे जैसा दिख रहा है तो वो करीब 600 मीटर लंबा हो सकता है। हालांकि ये फाइटर जेट्स या बॉम्बर्स के ऑपरेशंस के लिए तो पर्याप्त नहीं है लेकिन ये टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त है। और आइलैंड के अधिकतर हिस्से में बड़ी संख्या में व्हीकल स्ट्राइक भी दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ कंटेनर्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी दिख रहे हैं और ये एक्टिविटी ट्राइटन आइलैंड पर देखी गई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें रशिया की तरफ से क्लेम किया गया कि 14 अगस्त को सीरिया में अलतनफ क्षेत्र में अमेरिकी समर्थक गठबंधन के दो F-35 फाइटर्स काफी खतरनाक तरीके से रशियन एरोस्पेस फोर्सेस के दो Su-35 फाइटर्स के बेहद करीब आए थे और फिर रशियन पायलट्स ने हाई प्रोफेशनलिज्म का प्रदर्शन करते हुए इन F-35 फाइटर्स के साथ टकराव को रोकने के लिए तुरंत आवश्यक उपाय किए थे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए हवलदार नरेंद्र सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2022 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए ITBP के 7 वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें हेड कांस्टेबल दुला सिंह, कांस्टेबल डी राजशेखर, कांस्टेबल अमित कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल सुभाष सी बेरवाल, कांस्टेबल अभिराज और कांस्टेबल दिनेश शामिल हैं। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में टोटल कितने अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं। समय है आज के top 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।